उत्तर प्रदेश जिला बरेली में पुलिस ने किया लूट का खुलासा, दो लुटेरे गिरफ्तार, 1,00,000 रुपए हुए बरामद। एक किराना व्यवसायी और उनके मुनीम के साथ 12 मई 2019 को एक लूट की घटना कारित हुई थी। पुलिस टीम तब से इसमें प्रयासरत थी। एसपी क्राइम और एसपीआरए के नेतृत्व में सीओ नवाबगंज, स्वाट टीम, सीआई टीम और थाना क्योलड़िया एसओ सौरभ की टीम ने इसमें सराहनीय कार्य करते हुए इसका अनावरण किया गया है और दो अभियुक्त अनिल और गंगाराम गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 1,01,00 रुपए बरामद हुए हैं, साथ ही साथ हथियार कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्त ने उसी पैसे से एक मोटरसाइकिल खरीदी थी, वो मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। इनसे जब गहनता से पूछताछ की गई है तो यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि दो अभियुक्त जो अभी वर्तमान में जेल में हैं, रविंद्र और राजेश, ये भी इस घटना में शामिल रहे हैं और साथ ही साथ इसकी योजना बनाने में दो और अपराधी रहे हैं जिनके नाम श्रीपाल और राजपाल हैं, वो भी एक लूट के मामले में कुछ दिनों पहले ही जेल गए हैं। इस तरह से ये पूरे गैंग को वर्कआउट किया गया है पुलिस टीम के द्वारा और इनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। जो आज पकड़े गए हैं उसमें जो अनिल है वो आईटीआई की पढ़ाई कर रहा है, गंगाराम का कोई वैसा प्रोफाइल नहीं है। गंगाराम के बारे में यह भी पता चल रही है, उसकी पुष्टि की जा रही है कि पूर्व में भी लूट के मामले में वो अन्य जनपद से जेल जा चुका है। रविंद्र जो जेल में है वो भूता थाने का हिस्ट्री शीटर है और सभी अभियुक्तों की आपराधिक इतिहास देखी जा रही है और इसमें फर्दर इनके विरुद्ध गैंगस्टर इत्यादि की कार्रवाई भी की जाएगी।